अब मैनपुरी की जनता ने क्या फैसला लिया है तो नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल मायावती ने बड़ा निर्णय लिया है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया। दरअसल मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया। अब आकाश आनंद मायावती के उत्तराधिकारी भी नहीं रहेंगे। तो मायावती ने क्यों लिया ये फैसला, देखिए इस रिपोर्ट में। जिस तरीके से मेरा पेपर लीक हो गया था, ऐसे ही इस बार तुम्हारा वोट लीक हो गया। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात माने तो वो रोजगार नहीं दे पाए। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाने के साथ ही उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने का फैसला भी वापस ले लिया। मायावती का कहना है कि पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिवक्ता आने तक आकाश को दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। आकाश के पिता आनंद कुमार पहले ही पार्टी में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। आनंद पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। बीएसपी प्रमुख ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार आकाश को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर का दायित्व सौंपा था। लंदन से एमपीए किए आकाश वैसे तो नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए जाने के बाद से ही दूसरे राज्यों में सक्रिय थे, लेकिन बीएसपी प्रमुख के राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित होने के बाद से उनकी सक्रियता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। उत्तराधिकारी बनाए जाने के साथ ही मायावती ने उन्हें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बाहर पार्टी को मजबूत करने की अहम जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन 18वीं लोकसभा चुनाव में आकाश की उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज्यादा सक्रियता दिखी। मायावती ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर एक के बाद एक ट्वीट कर लिखा कि आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने के संबंधी 5 महीने पुरानी घोषणा को वापस लेने की जानकारी है। आकाश आनंद को अचानक दोनों जिम्मेदारियों से हटाने के पीछे तमाम तरह की चर्चा है। माना जा रहा है कि जिस तरह से वो पार्टी प्रत्याशियों की चुनावी सभाओं में आक्रामकता दिखाते हुए मोदी योगी सरकार पर तीखे हमले कर रहे थे, उनके शब्दों के चयन पर बीएसपी प्रमुख नाराज थी। पार्टी के नेताओं का कहना है कि बहन जी विपक्ष पर भी हमला बोलते वक्त भी राजनीतिक शुचिता का पूरा ध्यान रखती हैं। लेकिन 6 अप्रैल से प्रदेश में चुनावी जनसभाएं कर रहे आकाश अपने भाषण में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे उससे मायावती असहज महसूस कर रही थी। बताया जाता है कि आकाश को भाषा में संयम बरतने के लिए कहा भी गया है, लेकिन वो नहीं रुके। ऐसे में मायावती की नाराजगी तब और बढ़ गई जब उन्होंने आकाश को सीतापुर की रैली में प्रदेश सरकार को गद्दारों और आतंकवादियों की सरकार बताने से लेकर जूता मारने जैसी भाषा सुनी। आकाश के दिए गए भाषण को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उनके साथ ही पार्टी के 4 लोकसभा प्रत्याशियों पर भी FIR दर्ज होने के बाद तो मायावती ने उनकी सभी रैलियां रद्द कर दी। आकाश को प्रदेश से बाहर नई दिल्ली भेजा गया है।